हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय स्वप्नालीयस जादव चैनल। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देखे हैं, जो हमने 5 वीडियो में कवर किए हैं। आज हम 6th पार्ट देखने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम फॉर एटॉमिक एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एज ट्रेसर्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम फॉर एटॉमिक एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट पॉइंट आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे स्वप्नालीयस जादव चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सके। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट दैट पॉइंट, यूज़ ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम फॉर एटॉमिक एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑल ओवर वर्ल्ड देयर इज इंक्रीज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेनली बेस्ड ऑन एनर्जी। दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी नॉट फुलफिल्ड बाय ट्रेडिशनल वेज, सो ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग एनर्जी, एंड देयर फॉर देयर इज नीड ऑफ टाइम टू यूज द न्यूक्लियर एनर्जी, तो आप सबको पता है कि अभी हमारे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो डिमांड है वो कंप्लीट करने के लिए मेन किसका यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। जो ट्रेडिशनल वेज है गेटिंग ऑफ एनर्जी के, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी के, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अदर वे का यूज़ करना पड़ता है, न्यूक्लियर एनर्जी का। सो न्यूक्लियर एनर्जी का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ मेनी एडवांटेज, दैट इज कॉस्ट इज कंपेरेबल विथ ट्रेडिशनल सोर्सेस और इवन लेस देन ट्रेडिशनल सोर्सेस, एंड ऑल्सो इट हैज़ द कंपेरेटिवली लेस पोल्यूशन ऑल्सो। न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ कंपेरेटिवली लेस पोल्यूशन दैन द ट्रेडिशनल वेज। ओके, देयरफॉर न्यूक्लियर एनर्जी इज अ न्यू मेन सोर्स टू गेटिंग द एनर्जी। वॉट इज मीन बाय न्यूक्लियर एनर्जी? द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड विच फैसिलेट इट्स यूज फॉर मैनकाइंड इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन विच फैसिलेट इट्स यूज फॉर मैनकाइंड इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर पावर, और इट इज ऑल्सो नोन एज एटोमिक एनर्जी। जनरली इट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम फीशन रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम फीशन रिएक्शन बिकॉज एज इट इज इट कैन बी कंट्रोल्ड। सो इन लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट द फीशन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। सो जनरली न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑप्टेन्ड बाय यूजिंग फिशन रिएक्शन। ओके,
इन फिशन रिएक्शन थोरियम यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. थोरियम यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, सो हाउ इट इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फर्स्ट वी सी थोरियम, अबाउट थोरियम. सो थोरियम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर TH, सिंबल TH. ओके, सो थोरियम इज यूज एज ब्लैंकेट एज इट इज फर्टाइल मटेरियल, दैट इज डू नॉट अंडरगो फिशन. थोरियम इज यूज एज ब्लैंकेट एज इट इज फर्टाइल मटेरियल, दैट इज डू नॉट अंडरगो फिशन. ओके, सो इन द रिएक्टर एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ फिशनेबल प्रोडक्ट. सो व्हेन थोरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 232 एब्सॉर्ब्स न्यूट्रॉन और इट अंडरगोज व्हिच प्रोसेस एन गामा, then there is formation of thorium 90-233. okay, and next one beta elimination takes place, beta elimination to form protactinium 91-233. further once again beta elimination takes place and there is formation of 92 uranium 92-233. so this uranium 92-233 is fissionable, that is fissile material. So here in the reactor atomic transmutation takes place to form a fissionable product, that is uranium 92-233. During this reaction atomic energy is produced. Here we get fissionable nuclide uranium 233 which can be used to generate atomic energy. So long as there is thorium available to convert, there will be continued production of atomic power. Okay, this is related about the thorium. Now we see about uranium. So do you know that in last video we see in heavy water nuclear reactor mein humne 5 components dekhe hai. तो फर्स्ट आउट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियर फ्यूल. सो इन न्यूक्लियर फ्यूल वी सी व्हिच मटेरियल आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, दैट इज यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239. सो हियर यूरेनियम हैविंग सिंबल कैपिटल यू. सो uranium 233 and uranium 235 are fissionable nuclides. Out of that uranium 233 is obtained from which material? Thorium 232. Okay, ये जो uranium 233 है वो thorium से हम obtain करते हैं. Okay, so uranium 235 is a naturally occurring or it is obtained in nature, that is a natural uranium contains 97.3% uranium 238 and 0.7% uranium 235. In nature uranium 238 how many percent? 97.3%, and uranium 235 is how many percent? 0.7%, out of which uranium 235 is fissionable material, but uranium 238 is non-fissile. It does not undergo fission reaction.
ओके देन व्हाट हैपन नेचुरल यूरेनियम आफ्टर सम ट्रांसम्यूटेशन गिव्स फिसाइल प्लूटोनियम. ओके सो यूरेनियम 92-238 अंडरगोज एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन. तो कैसा एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन देता है हम देखते हैं. एंड आफ्टर ट्रांसम्यूटेशन इट गिव्स फिशनेबल मटेरियल दैट इज प्लूटोनियम 239. सो यूरेनियम 92-238 अंडरगोज एन गामा प्रोसेस देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम 92-239. ओके एंड व्हिच अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ नेपच्यूनियम 93-239 फर्दर अंडरगोज बीटा इमिशन टू फॉर्म प्लूटोनियम 94-239 एंड वी आर वेल नोन दैट प्लूटोनियम 94-239 आर फिसाइल मटेरियल. ओके सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. सो प्लूटोनियम इज नॉट ऑकरिंग नैचुरली हेंस ऑब्टेन्ड इन लार्ज अमाउंट बाय ट्रांसम्यूटेशन ऑफ यूरेनियम 238. प्लूटोनियम नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता तो क्या करते हैं यूरेनियम 238 से क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं ऑप्टेन करते हैं. दस यूरेनियम 92-233 यूरेनियम 92-235 एंड प्लूटोनियम 94-239 आर फिसाइल एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज न्यूक्लियर फ्यूल. ओके द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फिशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड यूज्ड डायरेक्टली और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो हाउ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड हाउ रिएक्शन इज फॉर्म्ड सो हाउ रिएक्शन इज फॉर्म्ड दैट इज यूरेनियम 92-233 और यूरेनियम 92-235 एब्सॉर्ब्स न्यूट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू फिशन प्रोडक्ट्स प्लस टू और थ्री न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी. सिमिलर दैट प्लूटोनियम 94-239 एब्सॉर्ब्स न्यूट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू फिशन प्रोडक्ट्स प्लस 2-3 न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके सो हाउ द मैकेनिज्म ऑफ फिशन रिएक्शन इज represented diagrammatically. See that friends, this is diagram for the mechanism of fission reaction. So in that diagram we represent that this one is thorium. Okay, thorium 232 or uranium 238, these are the non-fissile material. Okay, so when it absorbs neutron and undergoes 2 beta emission, then it is converted into fissionable material. That is thorium 232 is converted into uranium 233 and uranium 238 is converted into fissionable material plutonium 239. Then you are well known that uranium 233 or uranium 235 which are naturally occurring and plutonium 239, these are the fissile material. When absorbs the neutron, then it is converted into neutron to produce the first fission,
dumbbell shape. We study about the liquid drop model in detail. So please visit that video and see that. So these are converted into dumbbell shape and finally into two products, two fission product nucleates. Thus this is the mechanism of fission reaction. Understand? See next point, that is applications of radioisotopes as tracers. Applications of radioisotopes as tracers. So there are many applications are known and the number of application is increasing day by day. We see or we study some of these applications. So first application is chemical investigation. Chemical investigation, esterification reaction. So what is mean by esterification? The formation of ester. Okay. Esterification reaction can be studied with the help of tracer technique. In esterification reaction, formation of ester takes place from acid and alcohol. So we know that acid plus alcohol, there is formation of ester. Here acid having general formula R C double bond O OH plus alcohol having general formula R O H. Then there is formation of ester R C double bond O O R plus water. Okay. Here problem is that eliminated water molecule, this eliminated water molecule is obtained from OH minus of acid and H plus of alcohol or H plus of acid and OH minus of अल्कोहल. यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, वो कैसा बाहर जा रहा है? एसिड से OH माइनस निकल रहा है एंड अल्कोहल से H प्लस निकल रहा है, या एसिड से H प्लस निकल रहा है एंड अल्कोहल से OH माइनस निकल रहा है? एक कंफर्म होने के लिए इस रेडियो आइसोटोप्स ट्रेसर टेक्निक का, क्या रेडियो आइसोटोप एज ए ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं. देखते हैं कैसा यूज करते हैं. देयरफॉर दिस रिएक्शन वाज स्टडीड बाय लेबलिंग ऑक्सीजन एज O18 इन द अल्कोहल CH3OH. तो क्या करते हैं, CH3OH में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एज O18 लेबल करते हैं और उससे वो स्टडी किया जाता है. तो फाइनल प्रोडक्ट में इस्टर में अगर वो ऑक्सीजन चला गया है, इस देखो इस्टर में क्या हुआ है, वो ऑक्सीजन चला गया है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है अल्कोहल में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला, वो बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है. और यहाँ से क्या गया है, अल्कोहल से क्या गया है, एच प्लस गया है या OH माइनस गया है वाटर में, तो एच प्लस गया है. और यहाँ एसिड में क्या हुआ है, एसिड में ए जो है ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एसिड से क्या आया है, OH माइनस. और ए OH माइनस फ्रॉम एसिड एंड एच प्लस फ्रॉम अल्कोहल कंबाइन होके हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है. सो फ्रॉम दिस रिएक्शन इट वाज फाउंड दैट लेबल्ड ऑक्सीजन गोज इनटू ईस्टर व्हिच शोज दैट OH माइनस ग्रुप कम्स फ्रॉम एसिड. OH माइनस ग्रुप
comes from acid and H plus comes from alcohol. This demonstration gives clear-cut idea about bond breaking in the acid and alcohol. Understand? Second application of radioisotopes as tracer is structural determination. First we see chemical investigation, now second is structural determination. In structural determination, we see the structure of phosphorus pentachloride. So what is the molecular formula for phosphorus pentachloride? That is PCl5. Okay, so in PCl5 molecule, these 5 chlorine atoms are structurally equivalent or not was a question. Here ये PCl5 में जो 5 क्लोरीन एटम्स है वो इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है. टू नो दिस फैक्ट द सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन लेबल्ड विथ आइसोटोप्स क्लोरीन 36. तो ये डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है, क्या करना पड़ता है, PCl5 सिंथेसाइज करते हैं किससे, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड एंड Cl2 से, विच Cl2 इज लेबल्ड विथ इट्स आइसोटोप्स. कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं फॉर दिस पर्पज, दैट इज क्लोरीन 36. ये आइसोटोप यूज करके PCl5 सिंथेसाइज करते हैं. सो हियर PCl5 वी गेट लाइक वाइज दैट. ओके, आफ्टर दैट PCl5 गेट इज हाइड्रोलाइज्ड. आफ्टर दैट PCl5 का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं. ओके, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज्ड मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करने के बाद क्या प्रिपेयर होता है, POCl3 प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. एंड एक्सपेरिमेंटली इट वॉज प्रूव दैट ऑल द रेडियो एक्टिव क्लोरीन रिमेंस विथ HCl. एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता चलता है, ये जो हमने लेबल्ड क्लोरीन यूज किए थे वो कहाँ पे गए हैं, POCl3 में गए हैं क्या, नहीं, वो कहाँ गए हैं, HCl में गए. दोनों के दोनों भी कहाँ गए हैं, HCl में गए हैं, एक भी POCl3 के साथ नहीं है. दिस इंडिकेट्स दैट टू क्लोरीन एटम्स इन PCl5 ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 3 क्लोरीन एटम. इसका मतलब क्या होता है, इन PCl5 में जो 5 क्लोरीन एटम्स है उनमें से 3 क्लोरीन एटम आर इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड 2 क्लोरीन एटम आर इन डिफरेंट एनवायरमेंट. एंड दीज ऑब्जर्वेशन एग्रीड विथ व्हिच ज्योमेट्री और व्हिच स्ट्रक्चर, ऐसा कौन से स्ट्रक्चर में होता है जो 3 लिगेंड डिफरेंट एनवायरमेंट में होते हैं और 5 लिगेंड डिफरेंट एनवायरमेंट में होते हैं. सो दिस इज रिलेटेड विथ ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर. यू नो द ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, लाइक दैट, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर इन व्हिच 3 क्लोरीन एटम्स आर इन which environment, equatorial plane. Okay, or in equatorial position 3 chlorine atoms in equatorial plane and 2 chlorine atoms are different in which above plane and below the plane. This experiment further proved that equatorial PCl, that is phosphorus chlorine distance, is shorter than the अपाइकल फॉस्फरस क्लोरीन डिस्टेंस. और भी एक एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, ये जो इक्वेटोरियल वाला जो फॉस्फरस क्लोरीन डिस्टेंस है इज शॉर्टर दैन द अपाइकल फॉस्फरस क्लोरीन डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन. अंडरस्टैंड. Application of radioisotopes as tracer
is in medical field, that is medical application. So first we see chemical investigation, second we see structural determination, third is medical applications in analytical chemistry. So for which purpose? That is for determination of volume of blood. बॉडी में कितना ब्लड है ये चेक करने के लिए ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं. एंड फॉर दिस पर्पज व्हिच मेथड इज यूज्ड? दैट इज आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड. रिमेंबर दैट. सो कौन सी केस में वॉल्यूम ऑफ ब्लड चेक करने की नीड होती है, कौन सी केस में? So it becomes essential to know the amount of blood in a patient who had severe hemorrhage in an accident or patient of anemia. जो anemia के patient होते हैं, okay? Do you know about the anemia? Anemia के patient होते हैं उनमें और किसी accident में अगर किसी का खून ज़्यादा निकल गया हो तो उसी केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसी पेशेंट में चेक करने की नीड होती है. सो दिस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज चेक्ड बाय व्हिच मेथड? दैट इज आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड. सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड चेक करने के टाइम एक्चुअल प्रोसीजर क्या होती है, तो क्या करते हैं, 1 ml, दैट इज 1 cm cube और 1 ml ऑफ blood of patient is withdrawn. 1 ml blood is withdrawn from the body of patient, okay? And is labeled. और उसको label करते हैं, किससे label करते हैं? With the solution of isotope of sodium. कौन सा sodium का isotope use करते हैं? Sodium 24 as NaCl. NaCl के रूप में क्या करते हैं, उसको लेबल्ड करते हैं. इंस्टेड ऑफ सोडियम यू कैन यूज द फॉस्फरस 32 और आयोडीन 128 एक्सेट्रा. ओके, देन द इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी इज मेजर्ड फ्रॉम 0.1 ml ऑफ ब्लड. उसमें से 0.1 ml ब्लड लेते हैं और उसकी क्या चेक करते हैं, इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी चेक करते हैं. उसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल S1 से. आफ्टर दैट क्या करते हैं, अब बाकी रह गया, कितना बाकी रह गया, 0.1 ml यूज किया तो बाकी कितना रह गया, 0.9 ml रह गया. ओके, दिस इज 0.9 ml इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Y. ओके, दिस 0.9 ml ब्लड इज री इंजेक्टेड एंड आफ्टर 15 मिनट्स वंस अगेन 1 cm cube, दैट इज 1 ml ऑफ ब्लड इज withdrawn. तो 15 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, वेट करते. अब 15 मिनट्स के लिए वेट क्यों करते, उनको क्या चाय वगैरह लेनी पड़ती है क्या? नहीं. तो 15 मिनट क्यों रुकना पड़ता है, बिकॉज दिस टाइम पीरियड इज नीडेड फॉर सर्कुलेशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ द ब्लड. ओके, आफ्टर 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट रुकने के बाद क्या किया जाता है, वंस अगेन 1 cm cube ब्लड इज विथड्रॉन एंड इट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज मेजर्ड. वंस अगेन उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी मेजर करते हैं और वो किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, S2 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू मेजरमेंट S1 एंड S2, दिस टू मेजरमेंट की हेल्प से अननोन अमाउंट ऑफ ब्लड, सपोज अननोन अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल X, इज कैलकुलेटेड. सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एक्टिविटी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्टिविटी? इनिशियल टोटल एक्टिविटी इज इक्वल टू फाइनल टोटल activity. So here initial total activity is what? YS1 is equal to X plus YS2. Okay, here X plus YS2, it is becomes XS2 plus YS2. Okay, here
वैल्यू ऑफ वाई इज वेरी वेरी लेस, वैल्यू ऑफ वाई इज वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी लेस दैट एज इट इज कंपेयर टू एक्स. देयरफॉर दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड, दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड. देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स वाई एस वन इज इक्वल टू एक्स एस टू. ओके, एक्स एस टू. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट हैपन, वाई दिस एस टू इक्वल्स हियर वाई एस वन अपॉन एस टू, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अननोन अमाउंट ऑफ ब्लड इन पेशेंट. ओके, अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग हैव अबाउट 5 to 6 liters ऑफ ब्लड. रिमेंबर दैट, यू मे आस्क अगेन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग हैव अबाउट डॉट डॉट लीटर्स ऑफ ब्लड टू, हेंस रिमेंबर दैट इज इट इज अबाउट 5 to 6 liters ऑफ ब्लड. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एज डिटर्मिनेशन. फर्स्ट वाला हमने देख लिया केमिकल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वाला कौन सा देख लिया स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, थर्ड वाला मेडिकल एप्लीकेशन, एंड फोर्थ वाला कौन सा है एज डिटर्मिनेशन दैट इज डेटिंग बाय कार्बन 14, डेटिंग बाय कार्बन 14. सो दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट डब्ल्यू एफ लिबी. ओके, ऑफ डेटिंग ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनिक सैंपल्स बाय देयर कार्बन 14 कंटेंट. ओके, एंड फॉर दिस ग्रेट वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज. सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट प्रिजर्वड ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14. ओके, तो यू नो यू आर वेल नोन दैट कार्बन हैविंग जनरली मास नंबर 12, बट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 इज ऑल्सो अवेलेबल, दो इट हैज रिलेटिवली शॉर्ट हाफ लाइफ. इसका हाफ लाइफ कितना होता है 5730 ईयर्स. कितना होता है 5730 ईयर्स. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. एटमोसफियर में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन 12 होता है और स्मॉल अमाउंट में कार्बन 14 होता है. कौन से फॉर्म में एक प्रेजेंट होता है, यू आर वेल नोन दैट कार्बन 12 इज फॉर्म प्रेजेंट इन विच फॉर्म, CO2. सो CO2 12 एंड देर इज स्मॉल इन स्मॉल अमाउंट CO2 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो हाउ दिस कार्बन 14 इज प्रोड्यूस्ड, एक कार्बन 14 प्रोड्यूस कैसे होता है एटमोसफियर में. सो कार्बन 14 इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रिएक्टिविटी. कॉस्मिक रिएक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है. कैसे कॉस्मिक रिएक्टिविटी जनरेट होती है, यू आर वेल नोन दैट इन एटमोसफियर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच फॉर नाइट्रोजन 7-14. सो फेन इट रिएक्ट्स विथ न्यूट्रॉन देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 14, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन 6-14 विथ इमिशन ऑफ प्रोटॉन. एंड वेन दिस कार्बन 14 इज रिएक्टेड विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 14. ओके, एंड अब प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. तो क्या प्लांट्स ओनली एटमोसफेयर से कार्बन CO2-12 ही यूज करेंगे, नहीं, उसके साथ वो क्या करते हैं CO2-14 भी क्या करते हैं यूज करते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO2-14 इज अवेलेबल टू लिविंग प्लांट्स एट ऑल टाइम्स. वंस द लाइफ प्रोसेसेस आर स्टॉप्ड कार्बन 14 इज नॉट टेकन बाय द प्लांट. जब प्लांट्स की लाइफ प्रोसेस स्टॉप होती है तो क्या करते हैं वो CO2-14 एब्सॉर्ब कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे. CO2-14 यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे. एंड द अमाउंट ऑफ इट इन द प्लांट टिश्यू बिगिंस टू डिके. एंड आफ्टर स्किल जब लाइफ प्रोसेस स्टॉप होती है तो क्या होता है, ये जो कार्बन 14 है
वो क्या होना स्टार्ट करता है, डिके होना स्टार्ट करता है। कार्बन 14 की मात्रा लिविंग टिश्यू में कितनी है और प्रिजर्वड वुड में कितनी है और चारकोल में कितनी है, ये कैलकुलेट करते हैं। एंड फ्रॉम दिस टू वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ प्रिजर्वड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट यूजिंग नोन हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14? 5730 ईयर्स। ओके, वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, द सैम्पल नीडेड फॉर द मॉडर्न टेक्निक इज इवन लेस दैन 0.01 ग्राम फॉर द रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। इतना कम सैम्पल लगता है, कितना लगता है, लेस दैन 0.01 ग्राम, ओके, फॉर द रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द एज डिटर्मिनेशन डेटिंग बाय कार्बन 14। हु डिस्कवर्ड दिस टेक्निक, दैट इज W.F. Libby। फॉर दिस ग्रेट वर्क ही ऑल्सो अवॉर्डेड नोबल प्राइज। सी व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, दैट इज 5730 ईयर्स। ओके, रिमेंबर दैट हियर वी कंप्लीटेड द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एज ट्रेसर्स। सो हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी स्टडीड? फर्स्ट एप्लीकेशन वी स्टडी, व्हिच एप्लीकेशन वी स्टडी फर्स्ट, दैट इज केमिकल इन्वेस्टिगेशन, इन व्हिच रिएक्शन, दैट इज फॉर इस्टरिफिकेशन। एंड फॉर दिस पर्पज व्हिच आइसोटोप वी यूज्ड, दैट इज ऑक्सीजन 18। ओके, देन सेकंड वी स्टडी द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कौन से मॉलिक्यूल में हमने स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन स्टडी की, दैट इज इन PCl5। एंड फॉर दिस पर्पज व्हिच रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड, दैट इज क्लोरीन 36। देन थर्ड एप्लीकेशन इज मेडिकल एप्लीकेशन। इन मेडिकल एप्लीकेशन व्हाट वी डिटर्माइंड, वी डिटर्माइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाय व्हिच मेथड, दैट इज आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड। एंड फॉर दिस पर्पज व्हिच रेडियो आइसोटोप्स वी यूज्ड, दैट इज सोडियम 24। इंस्टेड ऑफ सोडियम 24 यू कैन ऑल्सो यूज द फॉस्परस 32 और आयोडीन 128 एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट वाला कौन सा एप्लीकेशन हमने देखा है, एज डिटर्मिनेशन बाय व्हिच मेथड, डेटिंग बाय कार्बन 14। ओके, सो हु डिस्कवर्ड और हु डेवलप्ड दिस टेक्निक, दैट इज W.F. Libby। एंड फॉर दिस एज डिटर्मिनेशन कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, कार्बन 14। ओके, रिमेंबर कौन सा आइसोटोप्स कौन से मेथड के लिए यूज करते हैं, कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, वो आप अच्छी तरह से याद रखिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी पॉइंट के लिए डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ओके, एक लाइक तो बननी ही पड़ती है। ओके, और अगर किसी ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बात, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस है उसकी हमने क्या की है, प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी, वो आप सभी वीडियोस देख लीजिए। एंड आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री के वीडियो अलग वाला बनाया है, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में वो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।